हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है और वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उसे बाहर निकालता है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 107 का 20। भजन संहिता 107 का 20। जब भी आप क्रिसमस की प्रार्थना में फेस्टिवल में आप आते हैं तो आपका पवित्र शास्त्र और डायरी और आपका पेन जरूर लेकर आया करें। हालेलुया। क्योंकि ये कोई शादी समारोह नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये कोई पिकनिक नहीं है, ये परमेश्वर का दरबार का प्रार्थना है। हालेलुया। भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो अपने वचन के द्वारा लोगों को क्या करता है, क्या करता है, चंगा करता है। और जिस गड्ढे में, जिस परिस्थिति में, जिस हालात में वो पड़े हैं परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता है। किसी भी मुसीबत में अगर आप पड़े हैं, अगर आपको बाहर आना है, या किसी बीमारी में, किसी दर्द में, किसी एलर्जी इन्फेक्शन में अगर आप चले गए हैं तो उससे अगर आपको चंगाई चाहिए तो एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ बस आपको बैठ के परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया हालेलुया। और एक बार नहीं, न जाने कितनी बार परमेश्वर ने, जब हम वचनों को प्रचार करते हैं, वचन को सुनते सुनते लोगों ने चंगाइयां पाई है। बड़ी बड़ी बीमारियां परमेश्वर ने उनके शरीर से दूर की है। हालेलुया। मैंने नहीं की, परमेश्वर ने की। उसके वचन के द्वारा वो चंगा करने का काम करता है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको पता है ना, अगर आप कोई बीमारी, कोई दर्द आप उन्हें बताते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या देते हैं आपको, क्या देते हैं, बोलिए ना। हाँ, गए ना कभी डॉक्टर के पास तो गए होंगे ना जिंदगी में। क्या देता है वो? दवा देता है। क्यों दवा देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि दवा के द्वारा मरीज को ठीक किया जाता है। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर दवा नहीं देता, परमेश्वर अपने ही वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा लोगों से बातें करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा लोगों को परिस्थितियों से बाहर निकालता है। और आज परमेश्वर ऐसा करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। कई लोग, उनको क्रिसमस का मतलब नहीं पता। वो सोचते क्रिसमस में जाएंगे वहां पे डिस्को डांस होगा, बड़ी पार्टी होगी, पिएंगे, हाँ, और कुछ पिक्चर के गाने भी नहीं बजेंगे, डीजे बजेंगे, है ना, और हम लोग वहां पे जाके नाचेंगे। हालेलुया। जब लोग यहां आते हैं तो कहते हैं ये कौन सा क्रिसमस है, हमने तो सोचा पीने को मिलेगा, हमने तो सोच के आए थे कि पिक्चर का गाना सुनने को मिलेगा, हम तो सोच के आए थे कुछ और ही तरह से नाचने को मिलेगा, पर यहां पे तो सब कुछ अलग है। हाँ, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिसमस का जो अर्थ है वो लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आज के दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है। और आज के दिन बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करते हैं, फिर शराब रहती है, फिर बियर रहती है, हाँ, फिर डीजे रहता है, फिर दुनिया भर का डिस्को लाइट रहता है, बहुत कुछ वो सोचते हैं वो क्रिसमस है। हालेलुया। आज आपको पता चलेगा क्रिसमस क्या है। हालेलुया। ये जो क्रिसमस जो शब्द है उसका सीधा अर्थ है
कि यीशु मसीह का जन्म उत्सव, यीशु मसीह के पैदा होने की जो बात है उसको कहते हैं क्रिसमस। हालेलुया। और हम क्रिसमस का एक नया अर्थ लोगों को बताते हैं कि क्रिस्त में मस्त। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन हम प्रभु में क्या सोच के आनंदित रहे? क्या ऐसी बात है जिसको सोच के हम आनंदित रहे? वो ये है कि परमेश्वर मुझ में रहता है। इससे बड़ी खुशी की बात, इससे बड़ी घमंड की बात और कुछ है ही नहीं दुनिया में कि परमेश्वर मुझ में रहता है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं खुदा है तो कहां है दिखाओ, और उनको पूछो हवा है तो कहते हैं हाँ हवा है, और उनको पूछो दिखाओ तो कहते हैं कि ये देखो हवा इधर ही है। हम कहते हैं दिखाओ, तो ना डॉक्टर दिखा सके ना साइंटिस्ट दिखा सके, पर हवा है ना, दिखती है नहीं दिखती पर है, और इसी हवा में सबका जीवन छुपा हुआ है, सारे पंछियों का, सारे प्राणियों का, सारे मनुष्यों का जीवन इसी हवा में छुपा हुआ है जो नहीं दिखती। आपके आगे भी है, आपके पीछे भी है, आपके दाएं भी है, आपके बाएं भी है, पूरी दुनिया में फैली हुई हवा नहीं दिखती, पर इसी में सबको जीवन मिलता है। बराबर है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। सो वैसे ही परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर, हमारे अंदर है, सबके अंदर नहीं है, क्योंकि हवा उन्हीं के अंदर जाती है जो श्वास लेते हैं। बराबर है कि नहीं? जबरदस्ती हवा किसी के अंदर घुसती है क्या? हाँ, अगर आप सांस ना ले तो हवा आपके अंदर नहीं जाएगी। तो ये जो हवा है उसी इंसान के अंदर जाती है जो श्वास लेता है, और उसको वो हवा जीवन देती है। परमेश्वर भी जबरदस्ती किसी के अंदर नहीं आता। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है परमेश्वर उसी के अंदर आता है और उसको जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या श्वास लेना जबरदस्ती है? नहीं, पर जरूरी है कि नहीं? हालेलुया, बहुत जरूरी है। अगर जीना जरूरी है तो श्वास लेना जरूरी है। अगर आपको आपकी आत्मा में जीना है, जिंदा रहना है, तो परमेश्वर पे विश्वास करना जरूरी है। और जब तक हवा आपके इर्द गिर्द कितना भी रहने दो, लेकिन जब तक ये हवा आपके अंदर नहीं जाती है आपको जीवन प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर तो पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा आपके आत्मा में आपको जीवन नहीं मिलता। और परमेश्वर आपके अंदर आने के लिए आपको विश्वास करना पड़ता है। जैसे यह हवा नहीं दिखती पर अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको श्वास लेना पड़ता है। श्वास के आगे वी लगा दो, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। वो है, बजोले के बोले वो है। अगर किसी ने पूछा किधर है, हाँ, तो फिर आप उसको पूछो हवा है, कहेगा हाँ। उसको पूछो किधर है। अगर ये हवा जो नहीं दिखती है,
अगर ये हमारे इर्द गिर्द रह सकती है तो क्या परमेश्वर जिसने हवा को बनाया, जिसने आपको बनाया, वो आपके इर्द गिर्द नहीं रहता? ये सच्चाई है। हमने एक शायरी लिखी है, क्या ढूंढते हो खुदा को पहाड़ों पर और दुनिया के जंगलों में, एक बार झांक कर तो देखो, वो तो बसा हुआ है तुम्हारे ही दिलों में। लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए हिमालय पे चले जाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, पर उन्हें एक चीज समझ में नहीं आती, सूरज कितना भी हमसे दूर रहे पर वो हमें रोशनी देना चाहता है। आसमान कितना भी दूर रहे पर वो हमारे ऊपर बारिश बरसाना चाहता है। हवा भले नहीं दिखती फिर भी हमारे इर्द गिर्द रहती है और हमें जीवन देती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि ईश्वर कहीं बैठा होगा और उसे उसकी तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत दान धर्म करना पड़ेगा और फिर जाके हमें ईश्वर प्राप्त होगा। ये सब बकवास है। हालेलुया। साफ शब्दों में अगर आप समझना चाहे तो आपके लिए इतना काफी है कि जो हवा नहीं दिखती वो आपके इर्द गिर्द में है। मानते हैं आप इस बात को? हाँ, हवा किधर है बोलो, मेरे चारों बाजू है। दिखती है नहीं दिखती, पर उसी में आपका जीवन छुपा है कि नहीं? पर ये हवा आपके चारों बाजू रहती है, दिखती भी नहीं है और उसमें जीवन भी है, हवा में जीवन है। अभी ये हवा जो मेरे चारों बाजू है, मुझे नहीं दिखती है और इसी में जीवन है, क्या ये बात सच है? बोलो हाँ। अरे बैठे बैठे बोले ना, कुछ झूठ कह रहे क्या? हवा आपके चारों बाजू है कि नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं हवा आपके चारों बाजू है? ओके, उसमें जीवन है, बोलो ना हाथ उठा के। मैंने आप लोग को बहुत आसान काम दिया है, खाली बैठे 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 हाथ उठाना है, कुछ पूछेंगे तो बोलना है, कठिन काम तो हम कर रहे हैं। आपको आसान काम दिया हमने, बाजू वाले को बोलो पास्टर ने आसान काम दिया है, और आसान काम करो। हालेलुया। फिर से सुनो, हवा आपके चारों बाजू है क्या? बोलो यस। दिखती है नहीं दिखती? फिर से सोचो, सर खुजाओ, सोचो, हवा मेरे चारों बाजू है और मुझे नहीं दिखती, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है बाबू। हवा हर इंसान के चारों बाजू, दिन को, रात को, सुबह शाम, 2400 घंटे, डे एंड नाइट, ये हवा आप ही के चारों बाजू है, पर आपको नहीं दिखती। पर जो नहीं दिखती उसी हवा में आपका जीवन छिपा हुआ है। अगर कोई कहेगा यह बकवास है, मैं नहीं मानता, दो मिनट छोड़ दो, एक मिनट के लिए उसकी नाक बंद कर दो, अभी ऐसे पकड़ लो उसकी नाक, उसको एक मिनट में समझ में आ जाएगा कुछ तो यहां है जो मैं दिन भर रात भर। अगर कुछ नहीं है तो क्या कर रहे, विक्स की गोली ले रहे क्या? विक्स सूंघ रहे? मैं एकदम साधारण सिंपल सच्चाई आपको बोल रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति दुनिया का टुकड़ा नहीं सकता। हर एक व्यक्ति के चारों बाजू दिन भर रात भर ये हवा रहती है। और अजीब बात है, नहीं दिखती। फिर से सुनो, हवा हर व्यक्ति के चारों बाजू दिन भर रात भर रहती है पर नहीं दिखती, पर उसी में जीवन छुपा हुआ है।
अब ये हवा के अंदर जो जीवन है वो किसको मिलता है? किसी को भी नहीं मिलता, पर हर उस व्यक्ति को मिलता है जो श्वास लेता है। ये सच्चाई है, बच्चों लोग बोलो ये सच्चाई है। सोने नहीं देना किसी को, इतने दूर से आए गाड़ी भाड़ा खर्चा करके सोने के लिए? अरे सोने का था तो घर पे सो जाते भाई। हाँ कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है, लोग इतने दूर से आते गाड़ी भाड़ा खर्चा करके अच्छा कपड़ा पहन के आते, इधर के सो जाते। उसको अगर कोई सोता रहेगा तो बोलना भाई सोने का था तो घर पे ही सो जाता ना आराम से। हालेलुया हालेलुया। अभी सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, हवा हर एक व्यक्ति के चारों बाजू दिन भर रात भर रहती है, सही है? हवा दिखती है नहीं, पर उसी में हर एक व्यक्ति का जीवन छुपा है कि नहीं? हाँ, पर वो जीवन किसको मिलता है? बोलो जो व्यक्ति, सब लोग बोलो जो व्यक्ति, ऐसा करो सब लोग, जो व्यक्ति श्वास लेता है, बराबर है कि नहीं? तो उसी को वो जीवन मिलता है, ठीक है? परमेश्वर हिमालय पे नहीं है, परमेश्वर किसी नदी में, पहाड़ पे, झाड़ पे, कहीं आश्रम में नहीं बैठा है। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके चारों बाजू रहता है, दिन भर रहता है, रात भर रहता है। परमेश्वर भी आपको नहीं दिखता, पर परमेश्वर में तुम्हारा जीवन छुपा हुआ है। अब वो जीवन अगर चाहिए तो किसको मिलेगा? वो जो विश्वास करेगा। इस बात को याद रखना, परमेश्वर से जीवन पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी हैं, जगह पे अगर आप खड़े खड़े अगर आप विश्वास करते हैं तो तुरंत आपको परमेश्वर का जीवन मिलता है। मुझे श्वास लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जहां पे भी हूं वहीं पे मैं खड़े खड़े अगर मैं सिर्फ श्वास ले लूं तो मुझे जीवन मिलता है। सुन रहे? परमेश्वर को पाने के लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत, भटकने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहेगा मेरे साथ चलो मैं तुमको श्वास दिलाता हूं, क्या मेरे साथ चलो मैं तुमको श्वास दिलाता हूं या मेरे साथ चलो मैं तुमको हवा दिलाता हूं, आप उसे क्या कहेंगे? भाई साहब यहां नहीं है क्या? नहीं माथेरान चलो वहां भी आपको हवा मिलेगी। बोलने का भाई मुझे उल्लू मत बनाओ, इतना भी मैं अनपढ़ गया गुजरा नहीं हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो सकता है मोबाइल आपके आजू बाजू में नहीं है, हो सकता है कपड़े की दुकान आपके आजू बाजू में नहीं है, हो सकता है आइसक्रीम की दुकान आपके आजू बाजू में नहीं है, हो सकता है एटीएम आपके आजू बाजू में नहीं है, लेकिन हवा अगर आप कहेंगे मेरे आजू बाजू में नहीं है, उसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन है? हवा हर एक व्यक्ति के चारों बाजू दिन भर रात भर रहती है, इसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता। हालेलुया। और ना दिखने वाली हवा में क्या है? बोलो जीवन। क्या है? जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ऐसे चिल्लाओ ताकि सोने वाला भी जाग जाए। अब ये जो हवा नहीं दिखती है इसमें जो जीवन है, मुझे चाहिए तो मुझे श्वास लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वैसे ही परमेश्वर जो नहीं दिखता वो मेरे चारों बाजू है पर नहीं दिखता, पर उसी परमेश्वर में हर एक व्यक्ति का जीवन छुपा हुआ है। हवा में कौन सा जीवन है? शारीरिक जीवन।
पर परमेश्वर में कौन सा जीवन है? आत्मिक जीवन। आपके पास सिर्फ शरीर थोड़ी ना, आत्मा भी है ना। हाँ, तो शरीर में जीने के लिए हमको ये हवा जो नहीं दिखती, इसका जीवन चाहिए, और उसके लिए श्वास लेना पड़ता है। पर आत्मा में जीने के लिए, आत्मा में जिंदा रहने के लिए हमें परमेश्वर वाला जीवन चाहिए। परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को जो जीवन देता है वो परमात्मा है। हालेलुया। सो आत्मा में जीने के लिए, आत्मिक जिंदगी जीने के लिए आपको परमेश्वर वाला जीवन चाहिए। कहाँ है परमेश्वर? बोलो मेरे चारों बाजू। दिखता है? नहीं दिखता, पर उसमें जीवन है कि नहीं? अभी मुझे वो परमेश्वर वाला जीवन चाहिए। तो कैसे मिलेगा? बोलो विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बोलो कहीं नहीं। श्वास लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है क्या? नहीं ना। विश्वास करने के लिए कहीं जाना है क्या? नहीं जाना है। जहां पे आप हैं वहीं पे खड़े खड़े श्वास ले लो, तो ना दिखने वाली हवा, उसमें जो जीवन है वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। वैसे ही परमेश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे हैं वहीं पे खड़े खड़े बैठे बैठे भी अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, तो आपको जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मुफ्त है। मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, उद्धार पाना मुफ्त है। इसके लिए आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हवा फ्री है ना, कि रोज आप उसका हर महीना आप उसका बिल भरते? हाँ, खुदा ने हवा फ्री में दिया, लेकिन डॉक्टर लोग पैसा लेते हैं। परमेश्वर मुफ्त में बारिश बरसाता है, पर कंपनी वाले इसका भी पैसा लेते। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर बारिश बरसाने का पैसा लेता है, हाँ, लेकिन कंपनी वाले इतना भी पानी देते हैं ना, छोटी बोतल है क्या? किसी को मिली रहेगी ना छोटी बोतल? कंपनी वाले इतने भी पानी का पैसा लेते। सच बोलूं, जब बारिश होती है ना आसमान से, उससे ज्यादा शुद्ध पानी दुनिया में कोई कंपनी का नहीं है। पर सुनो, वो नीचे आते आते ना, ये वातावरण इतना खराब हो गया है ना, इसलिए पानी अशुद्ध होता है। लेकिन सच्चाई कहूं, जब आसमान से बारिश होती है ना, उसके जैसा शुद्ध पानी पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलता, ना ही कोई कंपनी बना सकती है। हाँ, परमेश्वर से महान, परमेश्वर से तेज, परमेश्वर से होशियार कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है मुफ्त में बारिश बरसाता है, वो मुफ्त में आपको हवा भी देता है। हम मुफ्त में उसकी धरती पे रहते हैं, मुफ्त में सूरज की रोशनी मिलती है, लेकिन घर में अगर बिजली जलाना हो तो बिल भरना पड़ता है। हाँ, आप परमेश्वर के प्यार को देखिए और दुनिया वालों को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। कभी ये बोलो मत, कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर इधर ही है, तुम्हारे चारों बाजू। दिन भर रहता है, रात भर रहता है। अगर पाना चाहते हो तो विश्वास करो। जैसे हवा दिन भर रात भर कहीं और नहीं, तुम्हारे ही चारों बाजू रहती है। अगर अगर हवा चाहिए तो क्या करना पड़ता है? सब लोग बोलो, क्या करना पड़ता है? श्वास लेना पड़ता है। लेकिन दुनिया के लोगों ने इतना कठिन बना दिया है कि परमेश्वर को पाना है तो
तो तपस्या करना पड़ेगा, नदी में नहाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, झाड़ पे जाना पड़ेगा, पहाड़ पे जाना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टांग ऊपर करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, सब बकवास है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, परमेश्वर ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है ना, तुमसे दूर नहीं रखा, अनाज तुम्हारे करीब है, फल फ्रूट जो भी है सब तुम्हारे करीब रहता है। कोई चीज को परमेश्वर ने तुमसे दूर नहीं रखा, और उसने खुद को भी आपके करीब ही रखा है। हाँ, हेलो, कौन माँ अपने बच्चे से दूर रहना पसंद करती है, उसको बहुत मजा आता है? किसी माँ को नहीं। हर माँ ज्यादा खुश तब होती है जब वो अपने बच्चे के करीब रहती है, ना कि अपने सहेली के करीब रहती है। हाँ, अगर एक माँ कहीं घूमने भी चले जाए बच्चे से दूर रह के ना, वहां पे भी उसका मन नहीं लगता, उसको बार बार बच्चे की याद आती है, वो कॉल करेगी, वीडियो कॉल करेगी। हाँ, सही है कि नहीं? कौन माँ है यहाँ पे? आप जो माँ लोग है, आप आपके बच्चे से जब दूर रहते तो बहुत खुश रहते, कोई माँ हाथ उठा सकती है क्या? हाँ, अगर आप हाथ उठाएंगे तो मैं पहला सवाल पूछूंगा, सगी है कि सौतेली? क्योंकि सगी माँ कभी भी अपने बच्चे से दूर रहना पसंद नहीं करती है। हालेलुया, हालेलुया। भले वो काम पे भी जाए तो वापस आते ही बराबर, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? अगर आपके छोटे से दिल में इतना प्यार है तो परमेश्वर क्यों हमसे दूर रहना चाहेगा? हाँ, परमेश्वर हमसे दूर नहीं रहना चाहता, वो हमारे करीब रहना चाहता है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनके अंदर चला करूंगा, फिरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को क्रिसमस का मतलब नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? लूका कोई पढ़ेगा? लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बस सुनिए, ये जो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जब मनुष्य बन के इस दुनिया में आए तो उनको ये नाम दिया गया, मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। तो जब मैं कहूंगा मनुष्य का पुत्र, आप समझ जाना यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह इस दुनिया में, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह इस दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। किसको ढूंढने? किसको ढूंढने? खोए हुओं को। कौन खोया था? हम खो गए थे कि खुदा खो गया था? हम खो गए थे। आपको बताना बहुत जरूरी है कि हम कैसे खो गए थे। यशाया 53:6 पढ़िए। यशाया 53:6। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। यशाया 53:6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ सुनिए, अब यहां पे ध्यान दो। हम तो सब के सब, अब सुनिए सभी लोगों, प्रभु का वचन कहता है कि हम सब के सब, और जब परमेश्वर कहता सब के सब, उसका मतलब है सब के सब, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं,
परमेश्वर कहता है सब के सब भटक गए थे। कैसे भटक गए थे? भेड़ों की नहीं। भेड़ भटक जाती है पता आपको? हाँ, क्यों भटक जाती है? अपनी मस्ती से। क्योंकि कई ऐसी भेड़े रहती है उनको चरवाहा पसंद नहीं है, उनको बस इधर उधर जाने को, खाने को चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको परमेश्वर नहीं चाहिए, लेकिन उनको पानी चाहिए, उनको हवा चाहिए, उनको फल फ्रूट चाहिए, उनको खेती बाड़ी चाहिए, उनको जमीन चाहिए, उनको सोना चाहिए, उनको चांदी चाहिए। दुनिया में जितना भी है, याद रखो परमेश्वर ने कहा सब कुछ मेरा है। रेती भी परमेश्वर का है, समुंदर भी परमेश्वर का है, हर पंछी, हर प्राणी, हर सोना, हर चांदी, सब कुछ परमेश्वर का है। कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। पर आज इंसान जब इस दुनिया में आता है, उसको पैसा चाहिए, उसको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पीतल चाहिए, लोहा चाहिए, तांबा चाहिए, मार्बल चाहिए, लकड़ी चाहिए, रेती चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, उसको सब चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। हाँ, क्यों परमेश्वर की चीजें हमें चाहिए फिर, जब परमेश्वर नहीं चाहिए तो? हाँ, हालेलुया। किस बात का लोग घमंड करते हैं मुझे नहीं पता। सब कुछ तो खुदा का है, वही तो उसी का लेके बैठते हैं, उसी का सब खाते हैं और कहते हैं खुदा कहाँ है बताओ। हालेलुया। उनको बोलिए अनाज मत खाओ, पानी मत पियो, आप धरती पे मत रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा एक दिन में कि खुदा कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। तो किसने हमें ढूंढा? यीशु मसीह सच्चा चरवा इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया हमें ढूंढने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए। हालेलुया। जितने भी लोग आप यहां बैठे हैं ना, अगर आपका उद्धार हुआ है तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को मानिए, स्वीकार कीजिए कि हम लोग भेड़ों के नाई भटक गए थे और यीशु मसीह ने एक एक को, एक एक को, एक एक को, एक एक को, एक एक को सबको ढूंढ निकाला। और सिर्फ ढूंढ के निकाला नहीं, लेकिन मेरा और तुम्हारा उसने उद्धार भी किया, मेरा तुम्हारा पाप उसने क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम भटके हुए लोग नहीं है, पर पहले भटके हुए लोग थे, लेकिन अब हमें मंजिल मिल गई है। अब हमें हमारा चरवाहा, हमारा स्वामी, हमारा मालिक हमें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने खुदा को नहीं ढूंढा, खुदा ने हमें ढूंढा। और ये बात मानिए, जब बाजार में एक बच्चा भटक जाता है ना, सुनिए सच्चाई को, जब बाजार में एक बच्चा भटक जाता है ना, वो रोता है पर वो माँ को ढूंढ नहीं पाता। सच्चाई ये है, बच्चा माँ को नहीं, माँ बच्चे को ढूंढती है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह 12 साल के थे, हाँ, और वो परमेश्वर के मंदिर में थे, उसके माँ बाप उसे पूरा ढूंढ मारे ढूंढ रहे थे, है ना, और बाद में जाके वो मिला और उस यीशु मसीह के माँ बाप ने कहा हम तुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, तो माँ बाप बच्चे को ढूंढते हैं। हालेलुया। सो हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, उसने हमें ढूंढा। आपको यह खुशी होना चाहिए, मैं भटका हुआ भेड़ था लेकिन मुझे मेरे खुदा ने ढूंढा। और इतना ही नहीं, उसने मेरा उद्धार भी कर दिया, मेरे सिर पे तेल भी मल दिया उसने, उसने मेरा अभिषेक भी कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया?
खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए वो इस दुनिया में आया। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पढ़िए, यशाया, यशाया 55:5। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। बस सुनिए, ऐसी ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती। फिर से सुनो, प्रभु का वचन कहता है ऐसी जातियां जो तुझको नहीं जानती तेरे पास दौड़ी चली आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता है हम यहां जितने भी लोग बैठे हैं अलग अलग जाति के लोग हैं। हालेलुया, ये उसका रहमो करम है कि उसके अनुग्रह से हम उसके पास दौड़े चले आए। हम तो उसे जानते भी नहीं थे, हम तो उसे मानते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु का वचन कई हजार साल पहले कहा गया था कि ऐसी जातियां, ऐसे ऐसे लोग जो तुझे जानते भी नहीं तेरे पास दौड़े चले आएंगे। हालेलुया। पता है हम लोग क्यों प्रभु के पास दौड़े आ गए? क्योंकि ये वचन में लिखा था। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, ये वचन पूरा हो गया। आमेन, हालेलुया। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम क्या रखना? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसका उद्धार करेगा? किसका? बोलो, अपने लोगों का। अभी अपने लोग बोलेगा तो क्या? देखो, ये दुनिया जिसकी है, दुनिया के सब लोग उसके है कि नहीं? आप लोग बोल नहीं रहे। ये दुनिया जिसकी है, दुनिया के सभी लोग उसी के हैं कि नहीं? हाँ। और मैं हमेशा कहता हूं, कितनी दुनिया है? एक देश, कई देश है, लेकिन दुनिया कितनी है? तो एक देश में एक प्रधानमंत्री होता है, तो एक दुनिया है, तो दुनिया का बनाने वाला कितना होगा? हाँ, एक। याद रखना, पूरी दुनिया में सिर्फ एक सूरज है, दो नहीं, वो अकेला सबको रोशनी देता है। हालेलुया। सो दुनिया एक है, तो दुनिया का बनाने वाला कितना होना चाहिए ये आप सोचिए। दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर एक है। और कई लोग क्या बोलते हैं? हाँ हाँ भाई साहब, आप सही बोलते हैं, हम मानते हैं कि दुनिया का बनाने वाला एक है, लेकिन रंग रूप अनेक है। अभी सुनिए, लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर एक है, लेकिन रंग रूप, रंग रूप। अरे बोलो ना बाबा, आपको लगता है ये सच है? बहुत बड़ा झूठ है। कितने लोग को आपको पता है मेरा बाप कौन है? क्या हाथ उठा रहे? मेरे बाप को किसने देखा बताओ? मैं मेरा बाप का पूछ रहा, मैं स्वर्गीय बाप, मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रहा, मेरा बाप। आप में से कितने लोगों को पता है मेरा बाप कौन है बताओ? किसी को पता है मेरा बाप कौन है? तो आपको कैसे पता चला कि मैं फलाने का बेटा हूं? सुनिए,
मैं किसका बेटा हूं, ये आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपको यह पता ना चले कि इसका बाप कौन है। हाँ, कई लोग बोलते हैं ईश्वर एक है, रंग रूप अनेक है। मैं कहता हूं अच्छा वो एक कौन है? वो मालूम नहीं भाई साहब, पर एक है। अरे जब वो एक कौन है तुमको पता नहीं है तो कैसे पता चला ये सब उसका रूप है? चार बच्चे, मां कौन मालूम नहीं, फिर कैसे पता चला ये चारों बच्चे उस औरत के? वो औरत कौन मालूम नहीं, एक औरत है, कौन है मालूम नहीं, पर ये चार बच्चे ना उसके, किसके नाम बताओ। तो अगर चार बच्चे फलाना औरत के हैं, ये बोलने के लिए कि चार बच्चे उसके हैं आपको पहले पता लगाना पड़ेगा चारों की मां कौन है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कोई शौक नहीं है अपना दुनिया भर का रूप बनाने का, कोई शौक नहीं है। मैं तो सूरज को भी सलाम करता हूँ, उसकी मर्दानगी की दाग देता हूँ कि अकेला है पूरी दुनिया में, अकेला सूरज पर सबको रोशनी देता है। हाँ, परमेश्वर को अपने बहुत सारे रूप बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला इतना दम रखता है, इतनी काबिलियत रखता है, अकेला परमेश्वर सारी दुनिया को संभाल सकता है, सारी दुनिया को चला सकता है। हालेलुया, मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ, मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ, एक ही दुनिया है, एक ही परमेश्वर है, लेकिन सच्चाई छुपाई जाती है लोगों से। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? लोगों का उद्धार करने, पाप क्षमा करने आया। कई लोग को लगता है यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने आया, ये बात झूठ है। मैं 22 साल से हूं और मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं कि ये झूठ है, क्योंकि 22 साल हो गया ना मैंने मेरा नाम बदली किया, ना मैंने मेरी जात बदली की। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे अंदर जितनी भी बुरी आदत, गंदी आदत थी, मैं बड़ा बेकार बदमाश और छटा हुआ बदमाश था मैं, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे सुधार दिया। हाँ, मेरा मन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा चाल चलन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप अपने नाम में और जात में नहीं, लेकिन आप परमेश्वर में विश्वास करना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, जो भी कर्जा है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी आंसू है, वो किसी के नाम में नहीं, किसी की जात में नहीं, लेकिन इंसान की जिंदगी में है। कभी आपने सुना उसका नाम रोता है, उसकी जात बहुत रोती है, ऐसा सुना? हम क्या सुनते? अरे वो औरत बहुत रोती है, अरे वो बेचारा बहुत दुखी है। हाँ, बीमारी किधर है बताइए मुझे? आज इतनी सारी बीमारियां, अभी कोरोना आया था ना, किसके नाम में घुसा और किसकी जात में घुस गया था? सुनिए, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, ये पाप, ये बीमारी, ये गरीबी, ये मजबूरी, ये लाचारी किसी का नाम और जात को नहीं पहचानती, वो हर एक इंसान को शिकार बनाती है। हालेलुया। सो आज बीमारी इंसान के जीवन में है, दुख दर्द उसके जीवन में है, और यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करने आया। यीशु मसीह बीमार को चंगा करने आया, यीशु मसीह दुखी व्यक्ति को आनंदित करने आया। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें ना करें वो आपकी जिंदगी, लेकिन मैं तो आपको सच्चाई बोलकर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई क्रिश्चियन परिवार से नहीं आया, हम यूपी के रहने वाले पक्का भैया हैं, लेकिन यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को यीशु मसीह के लोगों ने नहीं पहचाना, इसलिए परमेश्वर ने दूसरे लोगों को बुला लिया। हालेलुया, क्योंकि दुनिया एक है, परमेश्वर एक है। और हमने अभी क्या पढ़ा, यीशु मसीह की माँ से कहा गया, उसका नाम मरियम से कहा गया, उसका नाम यीशु रखना। यीशु क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का मतलब है, इंग्लिश में यीशु को यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जीजस। जीजस का मतलब है जीजस सेव्स अस, परमेश्वर हमारा उद्धार करता। उसका नाम ऐसे ही यीशु मसीह नहीं रखा गया, उसके पीछे कारण था उसका नाम यीशु रखना। ऑटो वाले को ऑटो वाला क्यों बोलते, क्योंकि वो ऑटो चलाता है। टैक्सी वाले को टैक्सी वाला क्यों बोलते, क्योंकि वो टैक्सी चलाता है। अगर वो छोड़ के बस चलाए तो लोग बोलेंगे बस वाला। तो यीशु मसीह का नाम पहले यीशु मसीह नहीं था, लेकिन जब वो दुनिया में मनुष्य बन के आया, हाँ, तो उसकी माँ से मरियम से कहा गया कि तेरे कोख में एक बच्चा होगा और उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। किसे? तो यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया पता है? पाप मिटाने, ना कि पापी लोग को मिटाने। हेलो, हेलो। मैंने बचपन से बस एक बात सुन सुन के बड़ा हो गया था, जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो ऊपर वाला नीचे आता है और सबको मार देता है। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था, हाँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, डॉक्टर वो नहीं है जो मरीज को मार डाले, डॉक्टर वो है बीमारी खत्म करे और बीमार को बचा ले। परमेश्वर वो है जो पाप को खत्म करे लोगों की जिंदगी से और पापी को बचा ले। और यीशु मसीह ने मेरे जीवन से, मैं विस्की ब्रांडी सिगरेट बहुत सारे ऐसे गलत काम करता था, यीशु मसीह ने मेरे जीवन से पाप को मिटा दिया पर मुझको जिंदा छोड़ दिया। हालेलुया, मुझको उसने जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो मुझे जीने का हक नहीं था। तो सच्चा डॉक्टर वो है बीमारी खत्म करे, बीमार को जीवन दे। परमेश्वर वो है जो पाप क्षमा करे, पापी को जीवन दे। हाँ, अगर हम कहेंगे परमेश्वर पापियों का नाश करता है, अरे दुनिया में सब पापी है, तड़ी पाड़ लोग है, किसी को भी जिंदा रहने का हक नहीं है। और फिर कैसा लगेगा अगर डॉक्टर ही मरीज को सबको मार रहा है, बीमार हो डायबिटीज है मार डालो, ब्लड प्रेशर है मार डालो, कैंसर है मार डालो, और क्या किडनी है पत्थर है मार डालो, कहेगा डॉक्टर। परमेश्वर अगर पापी को मारेगा तो पापी को जीवन कौन देगा? हाँ, तो यहां पे क्या लिखा है कि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से, सुनिए, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह जीवन देने आया, यीशु मसीह पाप क्षमा करने आए, यीशु मसीह खोए वो को ढूंढने आए। हालेलुया, ये है क्रिसमस। ये नहीं बियर पी ले, विस्की पी ले, ब्रांडी पी ले, डीजे लगा ले, डगा करके घर में जाके सो जाए और सुबह बाद में दोपहर में शराब उतरे, ये क्रिसमस नहीं है। यही तो लोगों को समझ में नहीं आता क्रिसमस क्या है। जब हम कहते ना क्रिसमस है, वो लोग बोलते हाँ अभी आज तो ये लोग पिएंगे। हेलो, हाँ, हम पानी पीते हैं, हम जूस पीते हैं, लेकिन हम शराब नहीं पीते। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का ही नशा कुछ इस कदर चढ़ा है, खुदा का नशा ही कुछ इस कदर चढ़ा है, और कोई नशा करने का दिल ही नहीं करता।
हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा से मोहब्बत करना ये भी कोई गुनाह है तो मरते दम तक ये गुनाह करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सबको दिल दिया ना, हाँ, कि कहीं से खरीद के लाए मेडिकल से, भाई मेरा हार्ट घूम गया है, मुझे एक किलो हार्ट दे दो। हाँ सुनो, सभी लोग सुनो, हार्ट कहीं से खरीद के नहीं लाते, किडनी कहीं से खरीद के नहीं लाते, हड्डियां कहीं से खरीद के नहीं लाते। परमेश्वर ने मुफ्त में, आपको जब माँ के पेट में थे तभी आपको हार्ट दे दिया, किडनी दे दिया, हड्डी दे दिया, नस दे दिया, कान दे दिया, आँख दे दिया, नाक दे दिया। माँ के पेट में ही परमेश्वर ने आपको सब दे दिया, लेकिन बाहर आते ही इंसान उसको भूल जाता है। हाँ हेलो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज लोगों को दुनिया चाहिए, दुनिया का सब कुछ चाहिए, पर दुनिया बनाने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग आसमान देखते हैं पर किसको क्या करने का, कौन बना है? पानी हो रही, बारिश बारिश हो रही, नहा रहे, कौन बरसा रहा है, क्या करने का है? लेकिन घर में बिजली है, पूछो कहां से आई, यहां हमने लगवाया। किसकी बिजली है? टाटा की, अदानी की। लेकिन पानी कौन बरसाता है? मालूम नहीं। हवा कौन देता है? मालूम नहीं। धरती किसकी है? मालूम नहीं। आसमान किसका? मालूम नहीं। तुम किसके? मालूम नहीं। गुमनाम गुमशुदा, पता नहीं लोगों की कौन है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए, वो उद्धार करने को आए, पापी को जीवन देने के लिए आए। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आपको मैं एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूं। सब लोग सुनेंगे ध्यान से? हाँ सुनेंगे, दो चार मिनट ध्यान से? हाँ सोएंगे नहीं ना? बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हाँ एकदम शॉर्ट में बताना चाहता हूं। इस दुनिया में ना पहले कुछ भी नहीं था, दुनिया भी नहीं थी, परमेश्वर था और उसने आसमान बनाया, उसने धरती बनाई। आसमान में स्वर्गदूतों को बनाया, स्वर्गदूतों में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में तीन ग्रुप बनाया, उसमें से एक ग्रुप जो था रात दिन परमेश्वर के लिए गाते थे, बजाते थे। पर उनका जो लीडर था, एक दिन उसके अंदर घमंड आ गया और उसने सब ग्रुप को भड़का के परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर ने वो स्वर्गदूत को और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। जब परमेश्वर ने उन्हें नीचे फेंक दिया, परमेश्वर ने इस धरती पर मट्टी से मनुष्य को बनाया कि मनुष्य जो है वो मेरी महिमा करेगा, मनुष्य जो है वो मेरी आराधना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, फिर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया और उन्हें एक अच्छे बगीचे में रख दिया और उन्हें परमेश्वर ने कहा, सब कुछ तुम्हारे खाने के लिए मैंने बनाया है, सिर्फ एक पेड़ है, उस पेड़ का फल जिसका नाम है भले बुरे के ज्ञान का पेड़, वो तुम नहीं खाना। हालेलुया, वो तुम नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया था, वो बड़े गुस्से में था परमेश्वर से बदला लेने के लिए। और इस दुनिया में जो लोग किसी के माँ बाप से बदला नहीं ले पाते, तो उनके बच्चों से बदला लेने की कोशिश करते। तो जब शैतान परमेश्वर से नहीं जीत सका, तो उसने सोचा मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, हम मनुष्य से बदला लेंगे। और उसने आदम हव्वा को भरमाया, कहा ये फल तुम खा लो, तुम नहीं मरोगे, तुम खुदा के जैसे हो जाओगे। और उन्होंने पहला पति और पहला पुरुष और पहली स्त्री, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, उन्होंने शैतान की बात को माना। उसी दिन से वो दोनों की जिंदगी और ये पूरी दुनिया शैतान के हाथ में
चली गई और दुनिया में पाप, बीमारी, श्राप, मृत्यु सब आ गया। अब कोई भी मनुष्यों को बचाने वाला, छुड़ाने वाला इस दुनिया में नहीं था। हालेलुया, क्योंकि सब मनुष्य जो भी थे सब के सब पापी। और आपको पता है अदालत में एक गुनहगार व्यक्ति कभी भी किसी की जमानत नहीं दे सकता। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके नाम पे कोई केस नहीं है। तो परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर अपनी आंखें घुमाई और क्या देखा, सब के सब पापी हैं, कोई पवित्र इंसान नहीं है। इसलिए परमेश्वर को खुद इंसान बनना पड़ा। जिसने इंसान को बनाया अब वो खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आया। हालेलुया, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मौत है। आपको पता है सदियों से एक नियम चले आया है, लोग पूर्वजों से अपने पाप के लिए लोग जानवर की बलि करते थे, पता आपको? आज भी कई गांव में चलता है, लोग अपने पाप की मुक्ति के लिए वो जानवरों की बलि करते हैं। लेकिन जानवरों की बलि से पाप धुलता नहीं था, मिटता नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं खुद मनुष्य बनूंगा और सब मनुष्यों के पाप के लिए मैं खुद ही एक बार अपना बलि दे दूंगा, अपना लहू सदा के लिए बहा दूंगा और मेरे खून से मैं सबको धो दूंगा, मेरे खून से मैं सबको शुद्ध कर दूंगा। और परमेश्वर ये ताकत रखता है कि एक परमेश्वर ये ताकत रखता है सबका पाप क्षमा करने का। लेकिन हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि हम अपना अपना पाप मिटा सके। लेकिन परमेश्वर जो अकेला सबको बना सकता है वो सबको बचा भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह को छोड़ पूरी दुनिया में आप चले जाओ, कोई भी किताब लेकर आओ मेरे पास, सिर्फ मुझे एक बात बताओ बस, कौन है इस दुनिया में जो लोगों के पापों के लिए मरा हो? लोगों के पापों के लिए ऐसा तो बहुत आपको मिलेगा कहानी, ये लड़का लड़की के प्यार में मर गया, ये लड़की लड़के के प्यार में सुसाइड कर ली, वो सब बकवास मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी सच्चाई बताओ जो लोगों के पाप के लिए अपना लहू बहाया हो, लोगों के पाप के लिए वो खुद मरा हो, ऐसा एक व्यक्ति का मुझे नाम बताओ। तो आप मुझे नहीं बता सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो बच्चे के लिए अपनी जान भी देने की हिम्मत रखती है। जो जन्म दे सकती है वो अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है। हाँ, सो परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया, पैदा किया, लेकिन हमें बचाने के लिए उसने अपना ही जीवन दे दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, यीशु मसीह सबका पाप मिटाने, क्षमा करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की ये सच्चाई है, यही है क्रिसमस। जब यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं, तो आपका आत्मा में जन्म होता है और यही है क्रिसमस। जब यीशु मसीह मरियम के अंदर जन्म लिए तो क्या मनाया गया? क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो भी क्वायर के लोग हैं, जो भी म्यूजिशियन लोग हैं, वो सभी लोग स्टेज पे आ जाए, अपने अपने जगह पे आ जाए। आइए अपने सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, सभी लोग, सभी लोग, मैंने कहा सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले।
और आप में से जो कोई पहली बार आप यहाँ पे आए हो और आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मेरा पाप क्षमा होना चाहिए, मैं मरने के बाद मैं नरक में नहीं जाना चाहिए, मुझे स्वर्ग में जगह मिलना चाहिए, तो स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर आज विश्वास करो और उसको दिल में ग्रहण करो। प्रभु आपको नया जीवन देगा, प्रभु आपके पापों को आज क्षमा करेगा। प्रभु का वचन कहता है क्या फायदा अगर मनुष्य सारी दुनिया को कमा ले पर अपनी ही जिंदगी गवा ले। इसलिए अपनी जिंदगी को बचाना बहुत जरूरी है। भले हमने दुनिया में कुछ भी नहीं कमाया लेकिन अगर अपना पाप मिटा लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी हम एक दिन दुनिया का सब कुछ जो हमने कमाया है, बटोरा है, सब यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उद्धार पाना, पाप से मुक्ति पाना, यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जो लोग चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, आपको मुक्ति मिले, आपका सारा पाप क्षमा हो जाए, मेरे पीछे पीछे आप ये प्रार्थना बोल सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना है, एक दो मिनट की। अगर आप चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी भर का पाप क्षमा हो जाए, यदि आप जीवन पाना चाहते हैं, यदि आप मरने के बाद नरक में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना करो। कहो प्रभु यीशु, मैं ये विश्वास करता हूं आप मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए मेरे लिए, क्योंकि मैं भटक गया था, मैं पापों में डूब गया था, लेकिन आज मैंने तेरे वचन को सुना और ये जाना कि तू मनुष्य बनकर आया मुझे ढूंढने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए आया। ये सच है, मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और अपना लहू बहाया और आप कब्र में गाड़े गए और तीन दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे। ये सच है, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, आज मैं ये मान लेता हूं मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं पश्चाताप करता हूं मेरे जीवन के सारे पापों के लिए। आज मैं पश्चाताप करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरे पापों को तेरे लहू से धो दे। आज मैं आपको मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरे जीवन में, मेरा व्यक्तिगत प्रभु परमेश्वर उद्धार करता, मुक्तिदाता जानकर, मानकर, ग्रहण करता। यीशु मसीह आ जाओ मेरे दिल में, आ जाओ, आ जाओ, मेरा जीवन आपको सौंपता हूं।
यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना 22 साल पहले मैंने की थी और मेरा सारा पाप, ऐसे आप सुनते रहिएगा, मेरा सारा पाप जो है वह यीशु मसीह ने मिटा दिया। हालेलुया। 22 साल पहले ऐसे ही बस एक छोटी सी प्रार्थना मैंने की थी, 17-18 साल का था, मुझे नहीं पता था कि मैं और इतना साल में जीऊंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी सुख से रहूंगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति बहुत बहुत बेकार थी, हम सब मरने के कगार पे थे, हमारे घरों में रोज लड़ाई झगड़ा होता था, रोज मेरे पिताजी पीकर आते थे, मेरी मम्मी को मारते थे, मेरी मम्मी उनको मारती थी, हमारे घर में जरा भी ना सुख था ना शांति था, दर दर हम लोग भटके, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ चढ़ाया, कुछ भी फर्क नहीं पाया। किसी ने कहा यीशु के प्रार्थना में चले जाओ, मैंने कहा अभी ये कौन सा नया रास्ता है, सब तो जाके आया, ना घर में शांति, ना जीवन में शांति, ना मैं सुधरा, ना मेरा बाप सुधरा, पर जब यीशु के प्रार्थना में चले गया तो सब कुछ सुधर गया, सब कुछ सुधर गया, सब कुछ बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करते, पर वो प्यार करते हैं, वो दया करते हैं, वो क्षमा करते हैं, वो चंगा करते हैं, वो छुटकारा देते हैं, वो जिंदगी सवारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे 90% लोग हैं जो आप कई साल से प्रार्थना में आ रहे कि नहीं आ रहे। आप में से मैं एक बात बोलूं, एक व्यक्ति भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता है कि तुम्हारा नाम और तुम्हारा जात बदली किया, एक भी व्यक्ति खड़े होकर इस भरी सभा में बोल दो कि तुम्हारा नाम बदली किया गया, तुम्हारी जात बदली की गई है, कोई आप नहीं बोल सकते, लेकिन तुम्हारी जिंदगियां बदल गई है, तुम्हारी जिंदगियां बदल गई है, पाप करने की आदत छूट गई है, नशा छूट गया है। 20 साल के ऊपर हुआ, ये मुंह से गाली नहीं निकली है, मुंबई में, मुंबई गाली के लिए फेमस है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है 20 साल हो गया, इस मुंह से कभी एक गंदी गाली नहीं निकली, गालियां बहुत सुनी है लेकिन गाली नहीं निकली। मैं खुद हैरान होता हूं कि प्रभु यीशु आपने इतना मुझे बदल दिया। So, यीशु मसीह जो है जीवन परिवर्तन करता है, ना कि धर्म परिवर्तन करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, क्यों पता है? क्योंकि ये जीवन उसी ने दिया है, ये जीवन उसी ने दिया है, परमेश्वर ने, और हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। भले मेरी जात कुछ भी हो, मेरा नाम कुछ भी हो, आपका भी नाम कुछ भी हो, आपकी जात कुछ भी हो, मेडिकल में कोई भी जाके दवा ले सकता है, हॉस्पिटल में कोई भी जाके एडमिट हो सकता है, मॉल में कोई भी जाके घूम सकता है, दुकान में कोई भी जाके शॉपिंग कर सकता है, परमेश्वर सबका है। सूरज एक है ना, पर वो किसके लिए? बोलो सबके लिए। चांद किसके लिए? सबके लिए। हवा किसके लिए? सबके लिए। पानी किसके लिए? सबके लिए। तो परमेश्वर किसके लिए? सबके लिए। हालेलुया, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, बाजू में बोलो यही सच्चाई है। अब भले किसी को समझ में आई नहीं आई अलग बात है, पर यही सच्चाई है। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे।